कोटा जिले में परिवार को लूटने वाला बाबा और उसके भांजे पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी कभी खुद को नाथ संप्रदाय का बताता तो कभी किसी अन्य संप्रदाय का। यह फर्जी बाबा अलग अलग शहर में घूमकर लूट की वारदात को अंजाम देता और यह बाबा लोगों को जादू टोन दिखाकर लूटने में माहिर था। पुलिस ने आरोपी बाबा नवाब नाथ को उसके ससुराल पलवल हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। पुलिस को शुरुआत से पता लगा कि आरोपी लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है और लोगों को लूटने के बाद हुलिया बदलकर जींस टी शर्ट पहनकर घूमता। उसके पास एसयूवी है और लूट के बाद इसी गाड़ी से वह फरार हो जाता। इसके अलावा पुलिस ने खुलासा किया कि यह बाबा मटन और चिकन खाने का भी शौकीन है। आरोपी बाबा नवाबनाथ ने कोटा के कुनाड़ी इलाके में रहने वाले अरियम मीणा घर से 9 तोला ज्यादा गहने चुराए थे। हाथ की सफाई माहिर नवाब ने अरियम मीणा परिवार को उनके बेटे की लाश के नाम पर ठगा था। आरोपी पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ज्यादातर अपने ससुराल पलवल हरियाणा में रहता था और यह लोग लूटने के बाद जींस टी शर्ट पहनकर घूमता था। अपने लग्जरी एसयूवी में अलग अलग शहरों में जाता और बड़े होटलों में रुकता था। यह शिकार की पहचान करने के बाद दूसरे दिन वो बाबा वेस में उनके पास जाता था। गिरफ्तार हुआ यह बाबा हर वारदात को अंजाम देने से पहले अपना प्लान तैयार रखता था। नाव जा भी खड़े होकर शिकार तलाशता वह बांजा एसयूवी लेकर उससे कुछ दूरी पर ही मौजूद रहता था और इसके बाद दोनों मिलकर परिवार को ठगी का शिकार बनाते। मटन और चिकन खाने के शौकीन इस बाबा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब इससे पूछताछ की जा रही है।